सही सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं सहाट। इस समय मौजूद हम मुमरा के ठाकुर पाड़ा में और आपको बता दें कि अर्सिया वेलफेयर फाउंडेशन और निशानदार फाउंडेशन के तरफ से जो है एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। दरअसल ये कैंप जो है ऑर्गेनाइजर जो है इसके रीदा रशीद है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कैंप जो लगाया गया है ये बिल्कुल फ्री कैंप है। यहाँ पर हार्ट का चेकअप और आंखों का चेकअप, बीपी, शुगर वगैरह ये फ्री चेक किया जा रहा है। दरअसल रीदा रशीद की तरफ से इस कैंप का जो ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पर जो है एनसीपी के पूर्व नगर सेवक राजन सिन्हा दादा भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनसे भी हमने बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। और खास तौर पर जो बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जो यहाँ पर जो दिल के मरीजों की जाँच कर रहे हैं, दरअसल उन डॉक्टरों से भी हमने बात की है कि किस तरह से भारत में लगातार जो है नौजवान युवक जो है वो हार्ट की बीमारी के चपेट में आ रहे हैं और चलते फिरते जो है ऐसी उनकी मौत की घटनाएं भी, ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है। इस पर भी हमने डॉक्टर से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ इस पर सलाह दी है किस तरह से जो है खाना पीना चाहिए कि ताकि हार्ट की बीमारी जो है ना हो सके। और बिल्कुल फ्री ये कैंप रखा गया था मुमरा के ठाकुरपाड़ा में और इस दौरान हमने बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी बात की है किस तरह से जो पेशेंट मिल रहे हैं ज्यादातर हार्ट की, अब तक बताया डॉक्टर ने बताया कि करीब 4 से 5 पेशेंट मिले हैं, उनका आगे उनके हॉस्पिटल में इलाज होगा। लेकिन जो राजन सिन्हा दादा, उन्होंने क्या कुछ इस कैंप को लेकर कहा और डॉक्टरों ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। पहले आज कैंप लगाया गया है अर्शिया फाउंडेशन की तरफ से, निशानदार फाउंडेशन तरफ और अभित फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर आज फ्री हेल्थ चेकअप को मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। मैं अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा रीदा रशीद मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका अभी बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि वो हमारे इस मुमरा एरिया में पब्लिक के हित में बहुत सारे ऐसे जो काम है वो करते ही रहती है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर हमने 6 महीने पहले यहाँ पर एक अभय फाउंडेशन की तरफ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक क्लिनिक खोला था जो 20 रुपए में दवाई और चेकअप होने के हिसाब से यहाँ पर चालू किया था। आज यहाँ पर कैंप रखा गया है, यहाँ पर मिनाज में उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया है और निशानदार फाउंडेशन के हमारे रफीक भाई वो भी हमेशा मुमरा में, वो तो रहते भाईकल्ला में और यहाँ से वो यहाँ पर जो काम करते उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है, इसलिए पॉजिटिव बोले तो कहीं अगर उसका हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको फ्री में हार्ट ऑपरेशन का भी उन्होंने व्यवस्था उधर बालाजी हॉस्पिटल में करते और बालाजी हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ पर पूरी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मैं सभी हमारे जो भाभी है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर नागरिकों ने ज्यादा से ज्यादा अपना जो ट्रीटमेंट है करा के ले लीजिए, चेकअप करा लीजिए। सर, अर्सिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कैंप किया गया है और बालाजी तरफ से हमारी तरफ से सर डायबिटीज चेक कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं और ईसीजी में जिसके चेंजेस आ रहे हैं सर उनको हम अपने हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी में रिफर कर रहे हैं। सर हमारा सिर्फ कार्डिक का ही कैंप है, कार्डिक का कैंप है, अभी तक हमारे पास 4 पेशेंट निकले हैं जिसको हमने मैडम ने रिफर किया है एंजियोग्राफी के लिए। अब हम उनको अपने हॉस्पिटल में बुलाए एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राफी में जो भी उनका निकलता है आगे का ट्रीटमेंट जो है एमपीजीआई स्कीम में उसमें सब टोटली फ्री हो जाएगा। हार्ट से रिलेटेड जी सर, मैडम से पूछिए, डॉक्टर है जी मैडम से पूछिए, मैडम बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर श्रेया है। जिस हिसाब से अभी भारत में लगातार सामने आ रहे मामले की नौजवान युवकों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, मौत हो रही है, इसको लेकर हमें किस तरह से जो है सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या उपाय है इसके? तो पहली बात तो जो हम ये कैंप्स कर रहे हैं उससे भी काफी सतर्कता बढ़ती है
दूसरी चीज उनको ये भी बताना जरूरी है कि अब जिस जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रहा है वैसे वैसे सबकी जो सहनशीलता है वो कम होती जा रही है। तो जो लोगों को पहले 50 साल में ये बीमारियां होती थी वो 40 साल में हो रही है, 30 साल में हो रही है। तम्बाकू, स्मोकिंग, ये सारी चीजें जो लोग अभी कर रहे हैं, या खाना जो बराबर नहीं खा रहे हैं, उस वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इसकी सजगता बढ़ाने के लिए हम कैंप्स कर रहे हैं, और अगर हमें कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है किसी में, किसी के ईसीजी में, या तो हम उनका एंजियोग्राफी करवाने का सजेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जो ये मौत हो रही है सपोज कार्डियक फॉल की वजह से वो प्रिवेंट हो ना हो। खान पान के साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके हम घर में हरी सब्जियां खाए,